तरीके का है। तो कभी भी आपके घर में यदि इस तरीके का कोई भी सांप निकलता है तो उसको जरा मारे ना, समझने की कोशिश करें। एक नाम का सांप है, ग्रेट बोलते हैं। कोशिश की जाए, आप देख सकते हो कि लाल कलर की जवान होती है। इसके संख दिखाने की कोशिश की जाए, कैमरामैन पीठ पर जो संख है, भारतीय अजगर रॉक पाइथन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय अजगर रॉक पाइथन। इसकी जान बचाने के लिए मुझको यहाँ तक आना पड़ा। अब देख सकते हो यह भारतीय अजगर। जय परोपकार, जय परोपकार। आप समझ सकते हो कल हमने जैसे सांप को रेस्क्यू किया था गड्ढे में से, एक अजगर था और एक सांप एक परिवार में निकला हुआ था उसको भी रेस्क्यू किया, एक सांप एक दूसरे परिवार में निकला हुआ था उसको भी रेस्क्यू किया। तो क्या है कि यह जो मेरा क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र है, तो यहाँ पर जंगल कहीं भी नहीं पाया जाता है। और समझने वाली बात यह है कि जब भी मैं सांपों को कहीं आसपास छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो लोग भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। और यह भी संभव नहीं है कि मैं यहाँ से इन सांपों को पकड़ूं और कहीं दूर दराज ले जाके बहुत छोड़ूं, क्योंकि जब प्रकृति ने इनको इस क्षेत्र के लिए बनाया है, प्रकृति ने जब इन जीवों को इस क्षेत्र के पर्यावरण को जैविक चक्र के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये जरूरी अंग है पर्यावरण के लिए, तो इन्हें बहुत दूर ले जाके भी नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही सुरक्षित मनुष्य भी रहे और बहुत ही सुरक्षित ये जीव भी रहे। तो आप देख सकते हो यह बहुत ही दूर दराज, कोई भी गांव घुमा के दिखाया जाए थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, मनुष्य की पहुंच से बहुत ही दूर। आप समझ सकते हो कि कोई भी मनुष्य यहां पर आएगा तो वो ये समझ के आएगा कि ये जंगल है, जंगल का क्षेत्र है, तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए। समझने वाली फिर बात यह है थोड़ी सी कि ये आगे जाके आप देख सकते हो ये जो पेड़ दिखाई दे रहे झाड़ी, यहाँ पर एक नाला और हमारे शहर की, सादाबाद शहर की बहुत ही ऐतिहासिक नदी जिसको कि करवल नदी नाम से जाना जाता है। तो करवल नदी और नाला जहाँ पर मिलते हैं तो उस जगह पर संगम पर ले जाके मैं इन जीवों को छोड़ दूंगा, क्योंकि अजगर को सबसे ज़्यादा पसंद है नदियों के सहारे रहना, क्योंकि यह अपने शिकार को नदियों के सहारे से ही प्राप्त करता है। और नदियों के सहारे जब कोई भी मनुष्य जाएगा तो वह जान सकता है कि जहाँ से नदी और नाले गुजरते हैं वह एक प्राकृतिक वातावरण हो जाता है, तो उसे सुरक्षित वहाँ पर रहना ही चाहिए। और जब वो वहाँ पर जाएगा तो चौकन्ना ही रहेगा। तो आप समझ सकते हो, अभी मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा जितना भी मैं जानता हूँ उनके बारे में, जो भी जानकारियाँ मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला से जो भी सीखा है इन जीवों के बारे में वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके आपका ज्ञान वर्धन हो, जिससे कि इन जीवों की प्राणरक्षा में भी सहयोग हो और मनुष्य की प्राणरक्षा में भी सहयोग हो। आते हैं, चलते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे साथ साथ चलता चला जा रहा है नाला। तो अभी हम उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जिस जगह पर के ये दोनों मिलते हैं। आगे कर करके कम काम नहीं है। अरे आया बस जंगल बंदर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें। आप समझ सकते हो बिल्कुल जंगल जैसा माहौल, आप समझ सकते हैं खंडर है यहाँ पर। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाएगी अभी आपको तरीके से। यहाँ पर यह बहुत ही प्राकृतिक वातावरण, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने के लिए मिलेगा। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तो फोटो और खींचेंगे बहुत टॉप के, तब जाएंगे यहाँ पे। चालू करो। चालू है।
अब देख सकते हो प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल दिखाने की कोशिश की जाए। इधर भी ये नदी है, बह रही है, अब देख सकते हो, और इधर भी एक नदी बह रही है। दोनों साइड से बहते हुए ये सामने से एक नदी आ रही होगी, तो ये मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्राकृतिक वातावरण कितना अच्छा वातावरण है प्रकृति का। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इन जीवों को रिलीज करने की, छोड़ने की। तो अभी जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो आप हमसे सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और सांपों की सुंदरता दिखाने की कोशिश की जाएगी। चमेली नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चमेली नाम से जाना। रजत वंशी का बच्चा है, बिना विष वाला सांप है। इसके अंदर विष बिल्कुल भी नहीं होता है, नाम मात्र के लिए भी विष नहीं पाया जाता है। यह मैंने घर से रेस्क्यू किया था। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी क्या है कि छोटा है, तो इसका पैटर्न जरा दिखाने की कोशिश की जाए, किस तरीके का पैटर्न है। अभी मैं इसका आपको अडल्ट मेल दिखाऊंगा, उसकी भी आपको पहचान दिखाने की कोशिश करूंगा कि वह किस तरीके का है। तो कभी भी आपके घर में यदि इस तरीके का कोई भी सांप निकलता है तो उसको ज़रा मारें ना, समझने की कोशिश करें। आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपने वातावरण में जा रहा है। लेकिन अमित जी जी तो वो चला गया। तो आप समझ सकते हो कि यह सांपों में रहने के लिए कितना उचित स्थान है। वैसे मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैं सांपों के बारे में अत्यधिक जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कोबरा कैचरी है, कोई भी बता सकता है देखकर इसको, या ये हो सकती है कांचली से। अभी मैं बताने का अपने ना हुनर नहीं रखता हूँ, तो ये रेड स्नेक की भी हो सकती है। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि यह बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर के जीव जंतुओं को रिलीज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अत्यधिक विषैला सांप है यह, और इसका मुख्य भोजन चूहा इसका मुख्य आहार हुआ करता है। घरों में पाया जाता है। निशाचर है ये, यह रात में निकलता है। कब निकलता है? रात में निकलता है, और यह कोबरा से 4 से 5 गुना अत्यधिक विषैला सांप है। बहुत ही विष पाया जाता है इसमें, नहीं छोड़ेंगे। इसको हम रिलीज करते हैं यहाँ पर। मैंने इसको इसकी जानकारी आपको पूरी देने की कोशिश की है तमाम वीडियो में। आप देख सकते हो किस तरीके से यह बहुत ही विषैला सांप है। क्रेट नाम का सांप है, इसको क्रेट बोलते हैं। पास से दिखाने की कोशिश की जाए, आप देख सकते हो इसकी लाल कलर की जवान होती है। इसके सल्क दिखाने की कोशिश की जाए, कैमरामैन पीठ पर जो सल्क हैं, इसको सल्कों से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह बहुत ही गहरे कुएं में पड़ा हुआ था, जिसको कि हमने एक नई जिंदगी दी बाहर निकालकर। पीठ पर सल्क दिखाने की कोशिश की जाए। इसकी मुख्य पहचान आप देख रहे होंगे, इसके मुंह पर कोई भी निशान नहीं है, लेकिन पूंछ तक दिखाने की कोशिश की जाए, यह इसके निशान पूंछ तक आते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का विष पाया जाता है, जो कि बहुत ही अत्यधिक विषैला होता है, जिसकी अगर ऐसा सांप किसी को भी काटता है तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यदि वह टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। तो मेरे उस्ताद श्री मुरली वाला प्रत्येक वीडियो में कहते रहते हैं कि इसके काटने से कुछ होता नहीं है, बस इंसान की मृत्यु हो जाती है जब वह टाइम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। तो यदि कोई भी सांपों के बारे में और भी कुछ हमसे जानना या पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, जान सकता है। कोशिश की जाए, मैं इसको इसके माहौल में रिलीज कर दूंगा, ये आराम से चला जाएगा। जिसको के कहते हैं ब्लैक हेड रॉयल स्नेक, ये हमारे यहाँ आप देख सकते हो उसने आहार अपना निकाल दिया है बाहर। अभी इसको बाहर निकाल के दिखाया जाएगा, ये वो यहीं घूम रहा है। अब देख सकते हो ये बाहर निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया, ये अपने माहौल में गंदा हो रहा है, इसने अपना आहार निकाल दिया बाहर। तो मैं इसको दिखाने की कोशिश की जाए डिब्बे में। अब देख सकते हो कितना बड़ा आहार ले रखा था इसने, इसीलिए मैंने इसको छुआ नहीं। ये खरगोश का बच्चा इसने खा रखा था,
इसको हम यहीं पर फेंक देंगे। जिस सांप के लिए हम यहाँ तक चल के आए हैं उसको आप देख सकते हैं, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दिखाने की कोशिश की जाए बिल्कुल सांप वापस लौट के नहीं आएगा। यह भारतीय अजगर रॉक पाइथन नाम से जाना जाता है। जान बचाने के लिए मुझको यहाँ तक आना पड़ा। ये सांप यह भारतीय अजगर है। यह सांप लगभग नहीं तो गान फट गया। दो साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। दो साल तक यदि अपना आहार नहीं लेता है तो यह जी सकता है आराम से, इसकी मृत्यु नहीं होगी। यह एक गांव में गहरे कुएं में गिर गया था तो इसकी जान पर बने आई थी, लेकिन किसी तरीके से हमने इसको बाहर निकाला। इसमें विष नहीं पाया जाता है। भारत में तीन प्रकार के अजगर सांप पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रकार का अजगर सांप ये आप देख सकते हो किस तरीके से इसका मुंह। दिखाने की कोशिश की जाए पास से पास, अत्यधिक पास और पास। यह इंडियन रॉक पाइथन है। कौन सा सांप है यह? इंडियन रॉक पाइथन, भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। इसकी लंबाई लगभग 24 फुट 12 इंच तक लंबा हो जाता है। आप समझ सकते हो 24 फुट कितना हो गया और 12 इंच कुंटलों में बड़ा हो जाता है। तो यह नगर बस्ती के पास नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसको यहाँ पर रिलीज करने आए हैं। इसके अंदर विष नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी आप दिखाने की कोशिश की जाए किस तरीके से चमक दे रहा है इसका सल्क। इसकी जवान दिखाने की कोशिश की जाए, ये लाल जवान है इसकी, तो हम समझ सकते हैं। इसकी आँखें भी दिखाने की कोशिश की जाए, गोल आँख में लंबी पुतली। इसकी ये संवेदनशील गड्ढे नाक के पास, जिससे कि ये अपना आहार लेता होगा, आहार का पीछा करता है और दम घोंट के उसको मार देता है। तो किस तरीके से हम यहाँ तक आए इसको लेकर छोड़ने के लिए, किस तरीके से हम इसको इसके माहौल में रिलीज कर देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, आप देख सकते हो बस बहुत ही भारी सांप है। साध नहीं पा रहा हूँ मैं इसको यार, देख सकते हो आप। दिखाने की कोशिश की जाए इसका पैटर्न, दिखाने की कोशिश की जाए इसकी चमक, दिखाने की कोशिश की जाए। यह भारतीय अजगर जिसको के इंडियन रॉक पाइथन नाम से जाना जाता है। एक बर्मी अजगर होता है जिसकी जवान काली होती है, और एक जालीदार अजगर होता है। जालीदार अजगर अजगरों में सबसे बड़ा होता है। अभी मैं इसको जाने दूंगा, क्योंकि यह दो साल से बेचारा गड्ढे की जिंदगी काट रहा था, यह पूर्ण आज़ादी की जिंदगी काटेगा। इसको हम जाने देते हैं, यह अपूर्ण रूप से आज़ाद है। मैं अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से मैंने इतने खतरनाक जीवों के साथ एकीकार होना सीखा। मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरे यूट्यूब पर रहते हैं वह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल में सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं, जिससे कि मैं आपके नज़दीक से और नज़दीक, मैं सेवा के नज़दीक से और नज़दीक तक पहुँच सकूँ। जय हिंद, जय भारत।